अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। कृष्ण भगवान का मंदिर के तौर पर जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे उसी समय का ही है, तब यादव भाइयों को तो तमाम लोगों को दिया गया अपना व्यापार करने। हम लोग बचपन से देख रहे हैं, जब जब स्टेशन वाले रोड में आते थे, इस वाले रोड में आते थे, तब तब हम लोग देखने का काम करते थे। तो एक तरीके से सरकारें का प्रॉपर्टी हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए फिर पहल के लिए मंदिर निर्माण तो हम पहले भी किए हैं, हमने सरकारी आवास में मंदिर बनाया है। इस खास चीज को वहाँ जगह नहीं तो दोनों भाई लड़ने के लिए तैयार है। इस मामले को लेकर के दोनों भाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ ही ना रहे हैं, आगे भी जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अगर गरीबों का रोजगार जब तक उनका रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ जमीन पे लोग सोए हुए हैं, तो भाइयों को रोजगार नहीं मिलेगा। मुलाकात करेंगे प्रताप जी के बारे में लेकर के, फिर अरे नीतीश जी को तो आके यहाँ मुलाकात करना चाहिए जनता लोग से, इनका क्षति किया कहाँ गायब नहीं कर सकता गरीबों के साथ सौतेला का व्यवहार किया जा रहा है। तो आप लोग ना बताइए, आप लोग जाके पूछिए उनसे, सवाल पूछिए, डर लगा नहीं आ रहा है। जमीन के लोग सोए हुए हैं, जमीन के लोग सोए हुए हैं, नीचे जमीन पे लोग सोए हुए हैं, जमीन पे लोग सोए हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी को ना सोचना चाहिए, नीतीश कुमार जी कहा चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहाँ से टूटा, किसने आकर के तोड़ा, सब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है। डीएम बोल रहा है कि कमिश्नर थोड़ा, कमिश्नर बोल रहा है कि डीएम थोड़ा, कौन एक दूसरे को फेंक रहा है। नीतीश जी का आत्मा के तोड़ा क्या, जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तो हम लोग हिलने वाला है।